नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश जी का पूजन कार्य में सफलता दिलाता है, और ये सत्य भी है। भगवान गणेश जी की कृपा जिस पर हो जाती है, उस इंसान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसीलिए जब भी कोई कार्य शुरू करे तो भगवान गणेश को अवश्य याद करे। बुधवार को जो भी इंसान गणपति जी की पूजा करता है, उसके काम सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आप बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं। इस व्रत के फल से इंसान के घर में धन व हर तरह की कमी दूर होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर घर में धन नहीं रुकता, बेवजह धन व्यर्थ होता है, घर में कलेश मचा रहता है, तो ये सब बुधवार को व्रत या पूजन से दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि ये व्रत बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि बुधवार को गणेश जी और बुध ग्रह की कृपा के लिए कैसे पूजन व व्रत किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, बुधवार का व्रत 21 बुधवार तक करने का विधान है। आप चाहे तो इसे 41 बुधवार तक भी कर सकते हैं। ऐसा करने से अच्छा फल मिलता है। अगर आप बुधवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं या फिर पहली बार बुधवार का व्रत रखने जा रहे हैं, तो बुधवार का व्रत अंधेर यानी कि कृष्ण पक्ष के बजाय चांदनी यानी कि शुक्ल पक्ष में रखने की शुरुआत करनी चाहिए। ये व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से करना शुभ माना जाता है। बताते चले, अन्य व्रतों की तरह इस व्रत में भी नमक पूरी तरीके से मना होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में हर देवता का कुछ न कुछ प्रिय आहार है, ठीक इसी तरह से मान्यता है कि बुधवार को खाने में मूंग की दाल की पंजीरी या हलवा भोग लगाने से गणेश जी जल्दी खुश होते हैं। इस व्रत में दान को विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि बुधवार का व्रत रखने के दौरान दान के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा दुर्वा से ही गणेश जी का अभिषेक करें, इससे गणपति बप्पा मनोवांछित फल देते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को बुध ग्रह की पूजा का भी प्रावधान है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में वाणी का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में बुध कमजोर होता है, वो जातक संकोची होता है, अपनी बात रखने में उसे परेशानी होती है। आपको बता दें, कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ स्थिति होने पर बुधवार को गणेश का पूजन करना लाभदायक होता है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि इस व्रत में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बता दें, गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी की पूजा में फूलों का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इन्हें लाल रंग का फूल अर्पित करें और भूल कर भी इनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग ना करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।